खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से अग्रसेन स्मृति भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। श्री श्याम बिहारी जी कृपा मंडल कानपुर दो दिवसीय श्याम महोत्सव मना रही है। प्रथम दिवस 7 जनवरी निशान ध्वज यात्रा प्रण 11 बजे निकलेगी, जिसमें श्याम बाबा के 111 भक्त निशान ध्वज लेकर चलेंगे, जिसमें कि श्याम बाबा की व बिहारी जी की झांकी होगी। यात्रा का विश्राम तिलखाना श्याम मंदिर में होगा। मुकोत्सव दिनक 8 जनवरी रविवार को एक होटल में जीटी रोड में श्याम प्रभु का अलंकित श्रृंगार करकता साहिब विशेष फूलों के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी लाइव दिखाया जाएगा। अखंड ज्योति प्रज्वलित कर बाबा को 56 भोग अर्पित कर श्रृंगार दर्शन होंगे। पत्रकार वार्ता संस्था के संस्थापक अमर मोदी, नीरज उमर, अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, महामंत्री राज अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रवीन वैश, संस्कृति मंत्री यश उमर, ज्ञान विश्नोई, प्रदीप बहुजा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। चौथा वार्षिक प्रोग्राम ब्रिज होटल 8 जनवरी को होने जा रहा है। आप सभी नगरवासियों को इस प्रोग्राम में आमंत्रित कर रहा हूँ। कल 7 तारीख को राजस्थान भवन से हमारी निशान यात्रा, दुतई निशान यात्रा उठ रही है, जो ब्रहा रोड सिरकी माल होते हुए तिलखाना मंदिर में प्रस्थान करेगी। आप सभी को आमंत्रित है कि आप लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के निशान यात्रा में सम्मिलित हों। 8 जनवरी के प्रोग्राम ब्रिज होटल से होने जा रहा है 2 बजे से, जिसमें कि खाटू के महाराज श्री दिग्विजय सिंह चौहान जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। गायकों में हमारी रेशमी शर्मा जी समस्तीपुर से आ रही हैं, सौरभ शर्मा जी कलकत्ते से आ रहे हैं, कानपुर से कोमल तिवारी जी, समण और अभिषेक शुक्ला जी हैं। हमारे प्रमुख उत्सव जो हैं, बाबा का अलौकिक श्रृंगार है, अखंड ज्योति है, 56 भोग है, महाआरती है, मस्ती धमाल है और श्याम नाम की रसोई है, जिसमें सभी लोग बाबा को भजनों का आनंद लें। कोरोना गाइडलाइन होते हुए हम लोग कोरोना का भी ध्यान रखते रहेंगे कि मास्क, सैनिटाइजर और दूरियों का विशेष ध्यान रखेंगे। और ये चैनल हमारे लाइव चैनल सुमरो श्याम जी पे लाइव टेलीकास्ट देखा जा सकता है, निशान यात्रा का भी और बाबा के प्रोग्राम का भी। कार्यक्रम का समय क्या है? कार्यक्रम का समय 2 बजे से है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।